हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर EVS क्लास एंड फुल फॉर्म ऑफ EVS इज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड पर्यावरण अध्ययन एंड अंडर दिस सब्जेक्ट विल स्टडी अबाउट एंड विल डिस्कस द टॉपिक माई बॉडी विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 2. सो दिस क्लास इज़ फॉर क्लास 2 एंड बिफोर गोइंग फॉर द थ्योरी सेक्शन लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स. बोन, हड्डी, ब्रेन, मस्तिष्क, हार्ट, हृदय, मसल्स, मांसपेशी, लंग, फेफड़ा, लीवर, जिगर, किडनी, गुर्दा, स्टमक, पेट, अमाशय, फंक्शन, कार्य, काम, इंटरनल, आंतरिक, अंदरूनी, एक्सटर्नल, बाह्य या बाहरी. Students, you must have noticed that our body is made up of so many different parts and their function is also different and their shapes are also different. So now we'll study about the same. Our body is made up of different parts. Hamara sharir alag alag angon se bana hua hai. Shape of each body parts are different and each part of our body perform different functions. हमारा शरीर अलग अलग अंगों से बना हुआ है और हर अंग का आकार और उनका काम अलग अलग है. Our body parts are broadly divided into two parts. हमारे शरीर के अंग हैं उनको दो भाग में बांटा गया है, external body parts और internal body parts. External body parts को कहते हैं शरीर के बाह्य अंग और इंटरनल बॉडी पार्ट्स को कहते हैं शरीर के आंतरिक अंग. नाउ विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. वी हैव मेनी डिफरेंट पार्ट्स सच एज आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स एंड लेग्स एट्सेट्रा. वी कैन सी ऑल दीज पार्ट्स. दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. हमारा शरीर, हमारे शरीर के जो कुछ अंग हैं जैसे कि आँख, कान, नाक, हाथ और पैर इत्यादि, हम इन सभी को देख सकते हैं और इनको ही कहा जाता है हमारे शरीर का बाह्य या बाहरी अंग. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर आप लोग समझेंगे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को. नाउ ऑल योर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स आर लेबल्ड हेयर. यहाँ पर ये जो लिखे गए हैं, लेबल किया हुआ है और दिखाया गया है, ये सब आपके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, आपके शरीर के बाहरी अंग जैसे फोरहेड, आई, नोज, माउथ, चेस्ट, आर्म, फोरआर्म, फिंगर, एब्डोमेन, थाई, नी, शिन, टो, एंकल, सोल, हील, काफ, हिप, वेस्ट, एल्बो, बैक, नेक, ईयर, हेयर एंड योर हेड. ऑल दीज पार्ट्स आर योर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दीज. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स. देयर आर मेनी बॉडी पार्ट्स विच आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी such as heart, brain, lungs, bone and kidney etc. हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर हैं, जैसे कि दिल, मस्तिष्क, फेफड़ा, हड्डी और किडनी इत्यादि. We cannot see all these parts. हम इन सभी parts को नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर है. These are called internal body parts. और जो हमारे शरीर के अंदर हैं उनको internal body parts या शरीर के आंतरिक अंग या अंदरूनी अंग कहते हैं. Students, आप लोगों ने क्लास 1 में external body parts के functions के बारे में पढ़ा था, जैसे your leg helps you to run, walk, dance, etc. and your hand helps you to hold things and your mouth helps you to eat and speak and so on.
So now we'll discuss in this class the functions of internal body parts. Here are some internal body parts about which you have to learn in this class. वैसे हमारे शरीर के बहुत सारे अंदरूनी अंग हैं, लेकिन अब हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग ये इतने जो कुछ हैं, जैसे कि ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी, स्टमक, हार्ट, बोन और मसल्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और जानेंगे. नाउ फंक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ब्रेन, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. इट हेल्प्स अस टू थिंक. हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर के अंगों के कामों को नियंत्रित करता है और हमारी सोचने में मदद करता है. बोन, इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स. बोन यानी हड्डी हमारे शरीर को आकार देता है, उसे एक ढांचा प्रोवाइड करता है और हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको यह सुरक्षित रखता है, उनकी सुरक्षा करता है. मसल्स यानी मांसपेशियां हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट. और ये मसल यानी मांसपेशियां हमारे शरीर के भाग को मूव करने में, हिलाने डुलाने में मदद करता है. किडनी, इट फिल्टर्स वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड. किडनी का काम है ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करना. नाउ लंग्स, इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग. लंग्स का क्या काम है, वो हमें हमारी मदद सांस लेने में करता है. स्टमक, इट इज लाइक अ मिक्सचर, इट चर्न्स एंड मैशेस ऑल द फूड विच वी ईट. तो स्टमक का क्या काम है, यह हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में. कैसे, जो भी हम खाते हैं उसको मिक्स करता है अच्छे से, मैश करता है यानी उसको अच्छे से मत देता है एक तरह से, और ताकि वो इतने छोटे छोटे हो जाएं कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारा शरीर अब्सॉर्ब कर सके, खाना पच सके. नाउ हार्ट, इट पंप्स ब्लड ऑल अराउंड आवर बॉडी. हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना ताकि ब्लड हमारे पूरे शरीर में जा सके. एंड दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी सेक्शन. नाउ हियर आई हैव गिवन यू टू क्वेश्चंस टू डू एट होम. क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 10 एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. क्वेश्चन 1 के आंसर में आपको 10 एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का नाम लिखना है. देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 इंटरनल बॉडी पार्ट्स. आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में 5 इंटरनल बॉडी पार्ट्स का नाम लिखना है. स्टूडेंट्स, चलिए इस फिगर को फिर से देख लेते हैं. ब्रेन, लंग्स, लंग्स हमारे पास 2 हैं. देन हार्ट यानी हमारा दिल, हृदय, लीवर, किडनी, किडनी भी हमारे पास 2 है, और ये स्टमक. और एक और बात, लीवर है वो लार्जेस्ट इंटरनल बॉडी पार्ट है. और लार्जेस्ट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट क्या है, स्किन है. और ओवरऑल देखा जाए तो लार्जेस्ट जो बॉडी पार्ट है हमारा वो है स्किन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. गुड बाय. टेक केयर.